ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। संस्कारों की चट्टाने आसक्ति की यंत्रणाएं, मैं शंका की शंकलाएं पर्वत सी भारी मंत्रणाएं। सब कहा ढह गई बिखर कर बह गई तेरी करुणा के सांद्र सागर में। आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अत्याचारी का तर्जन, भ्रष्टाचारी का मर्दन, व्यभिचारी का नर्तन, ज्ञान विज्ञान का सर्जन, परिवर्तित सब कैसे हुए तेरे मातृ प्रेम आगर में। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। शक्तिहीन की मुखरित आहे, दुर्बल की अर्चित बाहे। नई ज्योति से जगमग हो गई पीड़ित की क्रंदित राहे। शक्तिदायी हुए वीरवर हो गए जागे निरानंद घर घर में। जगाने हुआ तेरा अवतार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। नवयुग करता है तेरा अभिनंदन,
निर्मल मन से निर्मल माँ का वंदन। तू माता हम सहज योग के नंदन, तेरा आशीष हर माथे का चंदन। तेरी कृपा से भर लिया हमने सागर गागर में, तेरे चरणों में शत कोटि नमस्कार। कलयुग में किए तूने नए चमत्कार, ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार, ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्।
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वीकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता नि रखी परम पद लीना बाजू जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता
आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारू बज की कीले। गदा बज्र लय बैरी मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल। ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुंडा नमः। ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः। ॐ नरकांतका नमः। ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिर्दीसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी एवरीवन।
श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहां पूर्ण प्रकृति सहयोगियों के प्रतीक्षा में निरंतर रहती है कि कब ये जागृत चेतनाएं परम चैतन्य से योग करेंगे और पूरी सृष्टि में उनकी इंद्रियों से उनके चित्त से परम चैतन्य फैलेगा। श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा दिया गया आत्म साक्षात्कार एक दिए की भांति है जो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, प्रेम देता है। हमारे भीतर जागृत आत्मा दूसरी आत्माओं को प्रकाशित करने के लिए है और यही आत्म साक्षात्कार का ध्येय है, एम है, गोल है, अन्यथा ये व्यर्थ है। और धीरे धीरे ये शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी यदि हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, लोगों को उनके ही भीतर का ज्ञान नहीं दिया, उनकी ही आत्मा को जागृत नहीं किया। हम सभी भाई बहन जो जागृत हैं, जिनकी आत्मा प्रकाशित है, जिनके अंदर ये शक्तियां हैं कि वो किसी की भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं, जो आदि शक्ति के द्वारा आशीर्वादित हुए, ऐसे शक्ति संपन्न सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आइए आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम डिटैचमेंट के बारे में मां से जाने, क्योंकि जब तक डिटैचमेंट नहीं है हम सहयोग से प्राप्त शक्तियों को अपने लिए ही प्रयोग करते हैं। और जब हम डिटैच्ड होते हैं हम विश्व के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आइए हम जाने माँ के ही सुमुख से कि हमें अपने प्रेम को विस्तृत करना है और ये किस प्रकार से संभव है डिटैचमेंट के द्वारा। अपने चित्त को पूर्ण रूप से शांत करेंगे, हर जगह से बटोर लेंगे, हटा लेंगे बाहरी स्थिति परिस्थितियों से, मनुष्यों से, और अपनी आत्मा में ले आएंगे। शांत चित्त से मां की अमृत वाणी सुनेंगे। हमारे लिए
बड़ी मुश्किलें हो गई, इस हिंदुस्तान में भी इतने भरे पड़े हुए हैं, और वो बाहर जाकर के इन्होंने हजारों का सत्यानाश किया और गाड़ियां खरीदी फलाना। अरे जो संत साधु है उसको क्या गाड़ी से मतलब है, उसके पांव के धूल के बराबर सब चीजें होनी चाहिए, ये तो आपको इतना भी नहीं समझता। जो लोग जरा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि पैसा कौड़ी ये सब चीजों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा पर अंदर से छूटा हुआ, डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, इसको कहते हैं डिटैच्ड लव। मैंने कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की जरूरत नहीं कि बड़ा तमाशा करके चल रहे। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका सैप ऊपर चढ़ता है और उसके हरेक शाखा को, हरेक फूल, हरेक पत्ती को अलग अलग उसकी ज़रूरतें पूरा करता है और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए, तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार को एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ाए, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखते हुए, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है, ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु मानना चाहिए। और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत है, वही जानते हैं और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊं, उसकी वजह ये, एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करो उससे ज्यादा गंदा काम करो, जो गलत काम करो उससे ज्यादा गलत काम करो, ये सिखाते। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात है कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा देते हैं। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है, अरे बाप रे मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नर्क में जाऊँगा, ये गुरु जी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापापी। ऐसा कहने की किसी को जरूरत नहीं है, अगर आप उनके पाप धो सकते हैं तो धोइए, बताने की क्या जरूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने ये गंदा कर दिया, तुम वहां गए थे तुमने वो गंदगी कर दी, वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पाप, अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठो। ये दूसरा एक तरीका है कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते रहे आप किसी काम के नहीं, नालायक हैं, बेकार हैं, और आप पैसा दे दीजिए, पैसा नालायक नहीं है, आप नालायक हैं, पैसा वो सबसे ले लेंगे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हो। लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मारी गई, मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक सर्वसाधारण आदमी अगर इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की कि इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू मंत्र इसमें उसमें फंस करके और सम्मोहन विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं, ये क्या कहना चाहिए। लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मैंने प्रदेश में देखे इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भाई आप इस चक्कर में गए क्यों, पहले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहे हैं, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहे हैं, तो वो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ तेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के और ऐसी बातें बता करके
और वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, उसके बाद हतबुद्ध हो जाते हैं आप, सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत ही खराब आदमी। इन दोनों द्वंद्वों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी सम्मोहन में आई, आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरे चेतन अवस्था में सब समझना चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का भी स्वर नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनिएगा? कुछ भी किताब पढ़ ली, उठपटांग उसके बारे में उठपटांग लिख दिया, हो गए किताबें किताबें किताबें, पढ़ने से नहीं होने वाला। अनुभव है आपको कोई कोई प्रमाण? सहयोग ऐसी अद्भुत चीज है आज कि इससे हम प्रमाण दे सकते हैं, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते हैं, हर एक चीज का प्रमाण दे सकते हैं। और इस मामले में मैं जरूर कहूंगी, ये परदेशी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का ग नहीं सुना, इनको मालूम नहीं गणपति नाम की भी कोई चीज होती, लेकिन आज वो सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला है। ये ऐसे बेवकूफ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं और ईमानदार है। ईमानदारी नहीं, अपने साथ भी ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे उतरते गए। देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धरोहर, कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास में, लेकिन हम खो गए, हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया है, इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं हुई। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रख छोड़ा है, उसने तुम्हें क्या दिया, उससे तुमने क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक ही खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने पैसे दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते हैं? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं? आपको यूनिवर्सिटी बनाना है यूनिवर्सिटी बनाओ। कौन से अवतरण ने यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे आध्यात्म का कहां संबंध है? आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आई बात। इस प्रकार लोग जो है एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रम में होगा, भ्रमित कर देगा। जय श्री माता जी। अपने चित्त को डिटैच करेंगे, हर तरफ से हटा लेंगे, बटोर लेंगे, हर तरफ से इकट्ठा करेंगे, और बाएं हृदय में आत्मा के साथ रख देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं कोई भी आदि व्याधि उपाधि नहीं, श्री सदाशिव प्रतिबिंब हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं। पूरा चित्त आत्मा के भीतर
महसूस करेंगे आत्मा को। माँ कुंडलिनी से एक बार और प्रार्थना करेंगे पूर्ण हृदय से। हे माँ कुंडलिनी उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को पूर्णतया प्रकाशित कर दीजिए। उठ जाइए माँ, उठ जाइए माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए माँ। पूरा चित्त माए हृदय में धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर निकालेंगे, मध्य हृदय में लाएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में। बहुत गहरी सांस भरेंगे और सांस को हृदय में छोड़ के रोक देंगे और 12 बार जगदम्बा बोलेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। माँ जगदम्बा का आवाहन मध्य हृदय में, समस्त देवी देवताओं के साथ विराजे माँ जगदम्बा। नमन करेंगे माँ को। हे जगत जननी, सभी देवी देवता आपके ही बालक हैं। अब पूरे जगत की जननी है जगदम्बा है। आप ही हमारा रक्षण करते हैं हर नकारात्मकता से। आप ही हमें साहस देते हैं, आत्मबल देते हैं, निर्भय बनाते हैं। आपकी ही शक्तियां पूरे शरीर में संचरित होती हैं गणों के रूप में। पर्वत नदियां सब मध्य हृदय में, पूरा अंतरिक्ष मध्य हृदय में, सभी देवी देवता मध्य हृदय में, सातों चक्रों के ओरास मध्य हृदय में महसूस करते चले। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु श्री गणेश, मेरे सब कार्यों को निर्विघ्न कीजिए। हर देवी देवता का स्पंदन उसके मूल स्थान पे है, मूलाधार पूरी तरह ठंडा हो रहा है। नमन करेंगे श्री कार्तिकेय को, शिव शक्ति का प्रथम सृजन श्री कार्तिकेय,
सभी राक्षसों से हमारा रक्षण कीजिए। महसूस करेंगे मध्य हृदय में बैठे हुए श्री कार्तिकेय, पिंगला नाड़ी में निरंतर उनकी उपस्थिति, दाया मूलाधार दाई नाड़ी, अपने ही अंदर पूरा चित्त अपने चित्त को श्री भैरव नाथ जी के श्री चरणों में लाएंगे। मध्य हृदय में विराजे सभी देवी देवता श्री भैरव नाथ जी, आप तंत्रों के ज्ञाता है, सभी तांत्रिक आपके सामने शक्तिहीन हो जाते, आप ही मेरी ईड़ा नाड़ी के अंधकार को दूर करते, आप ही अपनी मशाल से इसे संतुलित करते हैं। श्री महाकाली के अनन्य भक्त हैं आप, सेवक हैं, कृपा कीजिए मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए, पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी में, रीढ़ की हड्डी के बाएं भाग में, श्री भैरवनाथ जी कार्यरत हैं। चित्त को लाएंगे मध्य हृदय में श्री हनुमान जी के श्री चरणों में, चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र, पूर्ण रूप से एकाग्र श्री हनुमान जी के श्री चरणों में। हे पवन पुत्र हनुमान, हर कार्य को सिद्ध करते हैं आप, सूरज की गर्मी को संतुलित करते हैं आप, मेरी सूर्य नाड़ी को पूर्ण रूप से संतुलित कर दीजिए, मेरे सभी कार्यों को सिद्ध कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी के दाएं ओर पूरा चित्त हनुमान जी अपनी गदा से कार्य कर रहे हैं। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, पूरी तरह से एकाग्रता बनाए रखेंगे, हर जगह से डिटैच कर लेंगे चित्त को। श्री माता जी के जगदम्बा स्वरूप को हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। हे माँ जगदम्बा, अपनी शक्तियां हमें दीजिए, हम ब्रह्मरंध्र को पार कर सके, हे माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा की श्री चरणों में आप ही हमें पहुंचाते हैं।
जागृत हो जाइए, आशीर्वादित कीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय से गले के अंदर लाएंगे, श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे। उनकी शक्तियों को महसूस करेंगे, पूरा चित्त गले में घुमाएंगे। और तालु भाग से आज्ञा चक्र पे आएंगे, सबको क्षमा करेंगे, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. चित्त को ब्रह्मरंध्र तक लाएंगे। माँ कुंडलनी बाहर आ रही है, महसूस करेंगे सहस्र कमल दल पे बैठी हुई श्री माता जी। उनके ऊपर बरसता हुआ परम चैतन्य हमारे ऊपर भी गिर रहा है। माँ के पैरों से पूरे शरीर में फैल रहा है। बरसने देंगे परम चैतन्य को। भीग जाएंगे, पूरा तन मन भीग जाएगा। बरसता हुआ परम चैतन्य परमेश्वरी से विनती करेंगे, हे मां आदि शक्ति, कृपा कीजिए, मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए, शून्य सरोवर तक का रास्ता पार करा दीजिए। आशीर्वादित हो रहे हैं, चित्त को उठाते जाएंगे अर्थ बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, और ऊपर और ऊपर, अनेकों चक्रों से होते हुए आकाश में आएंगे और आकाश से बरसते हुए परम चैतन्य को पूरी सृष्टि में फैलाएंगे। वायु, जल, धरती, गगन, अग्नि, परम चैतन्य अग्नि के भीतर
वायु के भीतर महसूस करेंगे, परमिट करेंगे। जल के भीतर परमिट करेंगे। धरती के भीतर परमिट करेंगे। चित्त को धीरे धीरे उठाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे। निराबाधा क्षेत्र, आकाश तक चित्त पेनिट्रेट करेंगे। ये सतह अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्र तारे नेबुलास आकाश गंगाएं पूरा चित्त अंतरिक्ष में। और ऊपर चलेंगे, पेनिट्रेट करेंगे अंतरिक्ष, शून्य सरोवर में आएंगे। न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य है यहाँ। श्री सदाशिव विराजे हैं, जटाओं से गंगा धार बह रही है। समाधि में लीन है, एक अंतरंगता प्रभु के साथ। आप एकांश हैं, हम कर चरण कृतम वा कायजम श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, मैं शुद्ध हुई, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे श्री सदाशिव के अंग हैं हम, उनके अंग में समा जाएंगे, उनके शरीर में समा जाएंगे।
समा जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास करेंगे डिटैच होने का, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बाहर आएंगे, नमन करेंगे। हे प्रभु, बिना शरीर का अंत हुए आपने मुझे अनुभव दिया, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। ये आत्मा जन्म जन्मांतर तक आपके भीतर समाई रहे, मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, हर इच्छा से मुक्ति इस जीवन में। इच्छाएं करके हम आपको रुष्ट करते हैं, इच्छाओं से मुक्ति दीजिए, नमन करके आशीर्वादित होके प्रभु का चैतन्य गिर रहा है हमारे ऊपर, महसूस करेंगे। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, आकाश से पूरे विश्व में अपने चित्त से परम चैतन्य फैला देंगे। अमेरिका, नॉर्थ साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप रंगते रहेंगे पेंट ब्रश की तरह चित्त से, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, समेटेंगे चित्त को, अपने सहस्त्रार पे आएंगे, सहस्त्रार से फूटता हुआ परम चैतन्य, श्री परम चैतन्य फैला देंगे पूरे घर में, परिवार पे, समाज पे, हमसे जुड़े सब लोगों पे।
सबको परमेश्वर का प्रेम मिले, आत्म साक्षात्कार मिले। परमेश्वर का अवतरण सिद्ध हो, सब जगह चित्त फैलाएंगे, सभी जानकार लोगों के स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कोर्ट्स, पुलिस, सब जगह सबको आत्म साक्षात्कार मिले। धीरे धीरे चित्त को इकट्ठा करेंगे वापस सहस्त्रार पे, माँ चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए, चित्त से आत्म साक्षात्कार देने के लिए, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। अपना यंत्र बनाने के लिए, सदैव अपना यंत्र बनाए रखना मां, बिना अहंकार हमसे कार्य लेते रहना मां, ऐसी कृपा बनाए रखना, इस योग के बनाए रखना मां। धीरे धीरे मध्य हृदय में आ जाएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आशा है आप सबने कल बहुत आनंद लिया होगा साक्षात्कार के कार्यक्रम करके। कहाँ का है ये ईशिका? मणिनगर अहमदाबाद का ही है। अच्छा, वेरी नाइस। देखिए कितने भी अगर ये 15-20 भी जम गए तो एक एक सहयोगी हजारों सहयोगी बनाता है ना। कल मैं गई थी एक मेडिकल कॉलेज में, तो वहां के टीचर देखिए क्या बोल रहे हैं। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। एक यहाँ पे मुस्लिम टीचर भी थी, उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ, अभी कल परसों में मुझे अगर मिल पाएगा तो मैं शेयर करूंगी, अभी मुझे मिला नहीं है वो। कि और मेरे को ये पहली बार पता चला कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट यू नो रिलीजन, और ये पूरा साइंस है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। कैन यू सी माई स्क्रीन?
मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी आंटी दिखती है ना, ये आप देख रही हैं, नूर आयशा बैठी हुई हैं आयुष के बराबर में। तो इन इनको तो इतनी इन इन क्योंकि ये नमाज पढ़ती हैं, आई वाज सरप्राइज्ड कि जैसे ही मैं इनसे बात करूं मेरा जो लेफ्ट वॉइड है वो पूरा वो ठंडा हो जाए। और फिर इनमें से सबको प्राप्त हुआ, और भी थे थोड़े, तो कुछों को गर्म हवाएं आई और कईयों को, क्योंकि ये एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, आप देखिए ये बात, ये इनका चित्त ही कहाँ पे है, इनका चित्त चक्रों पे ही है, प्लेक्सिस पे ही है। तो बहुत ही सरलता से इन लोगों को प्राप्त हुआ कल। सो आई थिंक जितना हमको ऐसी जगहों पे परमेश्वरी पहुंचाए जहाँ पे एक तो डॉक्टर्स को ये मिल जाए, तो वो तो ये हीलिंग पावर्स तो है ही हमारे हाथों में, उनके हाथों में भी यदि हीलिंग पावर्स आ जाए तो मरीजों का कितना भला होगा। और चक्र और ये सब इतने अच्छे से समझ रहे थे ये लोग, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, जो हमारे उंगलियों पे चक्र है और जो हमारे सारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, सभी तो चक्र हैं। तो और एनाटॉमी तो सारी मेडिकल साइंस है ही है। सो आई थिंक हम लोग ऐसा करते रहे और परमेश्वर हमको मौका देती रहे ऐसा, यही शुभकामना सबको मैं आज यही दूंगी, क्योंकि आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ा। न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ न आगे कभी कोई कर सकता इस चीज को। तो विद द बेस्ट विशेस कि हम ये काम, हमारे लिए इंटरनेशनल योगा डे एक दिन नहीं है, हमारे लिए सारे 365 दिन इंटरनेशनल योगा डे ही है कि नहीं? जी जी सत्य है, बिल्कुल सत्य है, पूर्ण सत्य है। चलिए फिर आज के ध्यान को यही कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी दीदी, जय श्री माता जी। तो